और कोई भूखा ना रहे, इसका भोजन का प्रबंध नगर पालिका करेगी क्या? इसमें एक कमेटी बनाई गई शासन के आदेश के अनुक्रम में, 100 अंत्येष्टि समिति। तो अब 100 का जो लोगों का कोविड-19 से जो उनकी मृत्यु हो रही है, अगर वो कोई दिक्कत होती है परेशानी होती है तो 5,000 रुपये तक हम लोग सहयोग उसको करेंगे। उनको कैसे करेंगे, नगद करेंगे या फिर मतलब उसका बाद में होगा, मतलब जैसे गरीब आदमी है सब होगा। 5,000 तक लिमिट है, 5,000 अगर वो कहता है 5,000 रुपये दे दिए तो 5,000 रुपये दे देंगे। अगर कहते हैं कि लकड़ियाँ और सब व्यवस्था कर दें तो वो सब व्यवस्था। अगर कोई मोहल्ले में भूखा रहता है वो किस मत से होगी फिर उसकी व्यवस्था? राशन कार्ड आज वो तो फ्री राशन मिल रहा है, वो तो फ्री राशन शासन की व्यवस्था है। कहीं कोई आदमी ऐसा है कि जिसको नहीं मिल रहा तो आप संज्ञान में डालिए, उसकी व्यवस्था की जाए। तमाम सामाजिक संस्थाएं कर रही हैं और नगर पालिका भी कर रही है, कोई दिक्कत बात नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर कहीं कोई बीमार है बाढ़ में तो निगरानी समिति उसकी रिपोर्ट देगी, आशाएं रिपोर्ट देंगी, सीएमओ के वहाँ से उसको दवाई मिलेगी फ्री, कोई दिक्कत की बात नहीं है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लोग जो बीमार हैं वो वैक्सीन लगा बताइए। हाँ, इसे फिलहाल आज जो बैठक की गई है इसमें मेंबर लोग हैं और निगरानी समिति के लोग हैं, तो ये इसी पर चर्चा हुई है कि निगरानी 27 वार्डों में 27 निगरानी समिति बनी है, जिसके अध्यक्ष हमारे संबंधित सभासद हैं और उसमें आंगनबाड़ी है और आशा है, हमारे सफाई नायक है। ये इनका मिलकर काम करने के प्रतिदिन लोगों की स्क्रीनिंग करनी है, डोर टू डोर जाना है और उसमें कोई लक्षण युक्त व्यक्ति मिलता है तो उसको नाम नोट करेंगे और उसको एक किट देंगे। उस किट में 58 प्रकार की दवाएं, 58 गोलियां होंगी, 7 प्रकार की। वो आशा बताएगी कब कब खाना है, इलाज उसका चलता रहेगा और उसमें सूखा जाएगी तो उसका एंटीजन टेस्ट भी RT-PCR भी टेस्ट करा लिया जाएगा। जब तक जांच रिपोर्ट आएगी तब तक वो दवाई करता रहेगा और उसको कह दिया जाएगा कि होम आइसोलेट रहो। तो इस वजह से ये निगरानी समिति का दायित्व इसमें बहुत बढ़ गया है। इसको थोड़े थोड़े निगरानी समितियों को बुला के इनको मीटिंग ली जा रही है और वार्डों में भी जाके हम लोग उसको मॉनिटरिंग करते हैं। अच्छा, ये जो 10,000 रुपये वाली बात चल रही है, 1,000 रुपये वाली बात चल रही है, जो हाँ तो जो भी रेहड़ी पटरी और रेहड़ी टेलिया से या जो भी मोची श्रमिक, तो इनको कैसे दे रहे हैं आप? इनके लिए कैसे दे रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन है उन्हीं को दे रहे हैं या जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं उन्हें भी दे रहे हैं? नहीं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको भी मिलेगा और जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको भी मिलेगा। जो श्रमिक है वो ऑलरेडी श्रम विभाग में रजिस्टर्ड होते हैं, उनके द्वारा उनको मिलेगा। बाकी हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रीट वेंडर है, रजिस्टर्ड है, उनको मिलेगा। इसके अलावा भी कोई आता है तो उसकी जांच करा के अगर वो गरीब है और लॉकडाउन की वजह से उसको रोजी रोटी से दिक्कत आ रही है तो उसको भी व्यवस्था की जाएगी। एक कमेटी बनी है उसके आप अध्यक्ष हैं, उसमें सफाई नायक है, आंगनबाड़ी है और आशा है, मेन ये है, दो चार लोग और आप शामिल कर सकते हैं। सुनिए, तो उसमें एक एक थर्मोस्कैनर और थर्मो स्कैनर ये आपके पास भिजवाया जा रहा है, ठीक है। अब ये करना क्या है निगरानी समिति को, ये साहब इस बारे में कुछ नहीं होगा, मैं जानकारी थोड़ी हूँ। जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, ये लोग सदस्य हैं, ठीक है। अगर कोई नहीं आता है तो आप फोन करके उसको बोलेंगे क्यों नहीं आए, जैसे आता है या आंगनबाड़ी। अच्छा, उसके बाद से हमको आप बताइए, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, उनके ब्लॉग कहेंगे कि ये नहीं जा रही। जैसे अभी एक सफाई नायक ने बताया है कि उस वार्ड में आशा नहीं आ रही है तो हमने अभी टिकट लेटर बना रहे हैं, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये आपको मॉनिटरिंग करनी है, इसलिए कि आप टेक्निकल आदमी हैं, आपको यही देखना है कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोगों की स्क्रीनिंग हो गई, कितने लोगों की सीट बच गया, ये यही देखना है कितने लोगों का लक्षण युक्त है, ये वो लोग बताएंगे आपको। आपका ये है कि लोगों को बातचीत करके, जिससे क्या होता है कि अभी हम कल हम SDM साहब घूमे तो तमाम आंगनबाड़ी यही कह रहे थे सब कि लोग बता ही नहीं रहे कि हमको बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, कुछ बता ही नहीं रहा।
तो अब वो लोग बताना है कि भाई अगर आप बताएंगे तो आपकी चेक हो जाएगा, बुखार चेक हो जाएगा, वो ऑक्सीमीटर चेक हो जाएगा, उसके बाद नाम उम्र उठ जाएगा, तत्काल आपको उसका जब नाम आया हमारे पास आएगा तो वो डॉक्टर से हमें किट लेके, जिसे किट में 7 प्रकार की दवाइयाँ हैं और 58 गोलियाँ हैं उसमें, वो आपको दी जाएगी उस आदमी को। और ये समझाना है कि भाई आपको थोड़ा बुखार है या खांसी है, बुखार है तो आप अलग से थोड़ा घर से अलग से रहिए और ये दवाइयाँ खाते रहिए, जो आशा बता देगी कि किन किन टाइम दवाई खाना है, यही करना है। फिर उसके बाद से वो जब रिपोर्ट जाएगी तो दूसरे दिन एंटीजन चेक करने वाला आएगा, आरटीपीसीआर वाला चेक करने आएगा, उनकी जाँच जब 3-4 दिन जैसे लगेगा रिपोर्ट आने में तब तक वो दवाई खाना है। हो क्या रहा है कि आदि पैरासिटामॉल आदि उधर दवाई लेके 3-4 दिन बोलिए 3-4 दिन आदमी निकाल दे रहा है और उसमें 3-4 दिन में वो बढ़ जा रहा है बीमारी। तो इसीलिए ज़रूरी है लोगों को समझाना आपके बारे में कि अगर आपको जरा सा भी कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप तत्काल ये दवाई किस मामले में, तो वो भी हमसे कहिए। ग्रुप बनाया गया है, आपको जोड़ा गया है कि ग्रुप में लिखिए कि यहाँ पे इतने रोज पर डे का करना है कि इतने लोग मच्छर नहीं पाएगा। अब 100 लोगों का चेक किए जिससे 5 लोग पाएगा, 5 किट आपको मिल जाएगी, ये दिखाना। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, जैसे अगर आप कह रहे हैं कि नहीं आते हैं नहीं आते हैं तो आप सब लिखा पढ़ी में दे सकते हैं कितने दिन से ये भाई नहीं आई, ऐसा नहीं है। कल हमने क्या किया कि आशा कह रहे थे कि 1 वार्ड में 4-5 आशा आंगनबाड़ी है लगाया गया 1 की ड्यूटी, आज हम सबकी ड्यूटी लगा दे रहे हैं, सभी आंगनबाड़ी घूमेंगी अपने अपने। तो आप सबके अध्यक्ष हैं, आप डायरेक्ट अपना नंबर है नंबर, अभी हम और भी जोड़ रहे हैं, आप उनको डायरेक्ट फोन करिए कहाँ है आज क्यों नहीं आई, भाई ठीक है 4 लोग आए, एक दिन मुख्यमंत्री नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया, आशा क्यों नहीं आई, आशा को कितना किट मिला कि नहीं मिला दवाइयों वाली, और साक्षर आपका भिजवा ही रहे हैं, उनको आप देना है कि भाई आप जाके 10 रुपये का चेक करके ला कर देना, फिर आना फिर ले जाना, हम आपको इसे दे रहे हैं कि उनको दे देना, पता नहीं तो आपको पता रहेगा कि हमारे पास आई थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैं चिंतित ना हो तो ये मतलब देखना भैया शांत हो जाओ, और उसका आदमी कोविड से मर गया है और उसके पास कुछ पैसा नहीं है तो वो 5,000 रुपये तक नगर पालिका लकड़ी उकड़ी का व्यवस्था वस्ता करवा के शासन क्या करेगा। तो अगर आपके नाले में इस तरह होता है तो आप लोग उसका ध्यान दीजिएगा और उसको बताइएगा कि उसके आप लोग काम करेंगे, लेकिन किसी भी नशा में नदी में नदी में नहीं बना जबकि मुक्ति धाम में भी व्यवस्था है, लकड़ियाँ पर्याप्त है, हम लोग जाते हैं देखते हैं भाई शांत हो जाओ, कम होगी तो हम उनकी व्यवस्था भी करेंगे, तो ऐसा कोई घटना घटी नहीं है, लेकिन भविष्य कोई ऐसा ना घटे ये आप लोग ये कमेटी बनाएगी, हम लोग की जिम्मेदारी है कि नगर में ऐसी कोई बात ना आए, कहीं को हो तो आपको सूचना तुरंत आप सूचना दें, आप क्या अगर कोई गरीब आदमी तो चले जाए उसके पास कि भाई ऐसी व्यवस्था है, आपको अगर कहीं कोई दिक्कत है पैसे नहीं है तो आप बताइए हम व्यवस्था बाद में आपके कोई गरीब आदमी हुआ ऐसा ना हो कि आप जाओ कोई डरने गए आपके बिचारी है गरीब आदमी हो अगर कोई दिक्कत हो तो भैया हमें बताओ व्यवस्था सुविधा लेना कहा सुविधा ये सुविधा जिन उनके लिए सब भागे गए दफनाए उनके लिए भी सुविधा है, सब दफनाए गए उनके लिए बहाने का तो है ही नहीं, नहीं नहीं ये मतलब नहीं है, आप जो कह रहे थे मुस्लिम उसमें उसको भी देंगे। अभी साहब ये हुआ मुक्ति धाम में जो लोग कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उनकी पार्टी यहाँ पे आई तो उन लोगों ने बाटी को विषय कर दिया, उसका जितनी वो थी किट वगैरह वो सब वही डाल दी, हाँ गरीब वो पड़ेगी और वो सब अभी बढ़ रही है, नहीं तो ये जिम्मेदारी उनकी जो यहाँ के समिति लोग हैं ये जमीदार वगैरह आए हैं तो पढ़ ले रहे हैं वहाँ पर, भाई हम सारा जिम्मेदारी करेंगे हम लोग, भाई कितनी बाटी करेंगे हम लोग, आप है हमारे भाई वही करते हैं दाम लोग हैं अब वहाँ के जिम्मेदारी नहीं देख रहे हैं परिवार है
जो भी क्वेश्चन थे क्वेश्चन उठवाई जलवाई सब आज एकदम से जो गाड़ी सिटी में जा रही है बेरोजगार तो उसको हटाना नहीं है वो ऐसे ही दफन होगा नहीं नहीं साहब जो वहाँ बता रहे हो वर्ण दफन हो गया उनकी जहाँ में भी होगा परसों का बता रहे हो आपको नहीं ये नहीं मना है ये नहीं निकालना है सही ये जिम्मेदारी वहाँ पे लोगों की जो मौजूद लोग हैं दो तीन मेरे पासों की बात है कहाँ से घटना है ये मैं दिमाग से कर दिया 150 आदमियों ने उस सबको छुआ जिसमें 22 मर गए और सबको से खोलना नहीं है उसमें नहीं मैं जो कह रहा यही हो रहा है इसे बेटे 150 आदमी जिसमें 22 मर गए उसको तो सबको वैसे ही बंद रखना और कोई मशीन लगाए सब अखबार लगा लीजिए उसमें नहीं दिया आपके पुरानी मशीन लगाए आप उसमें लाशें हैं पाएंगे दूषित उसमें मछली लोग उसमें आ रही है मछली लोग खाएंगे तो आप ये सबसे दे दी है अखबार में कि कोई भी आदमी मछली ना खाए इसीलिए तो हो रहा है कि सही ग्राहक उसमें जागरूकता हो जाएगी आपकी अब हवा बढ़ जाए भाषा कुछ लोग बात है अखबार होता है अध्यक्ष जी जैसे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं इसी हमारा डिस्कशन हो जाएगा सामने आपका तुम्हें कोई भी आदमी इस वक्त कोई भी मदद नदी का कोई कोई चीज़ ना पाए बच्ची है और कोई चीज़ है उससे क्योंकि नाचे फहरेंगे पानी दूषित है बच्चा फैल लिया इसी कोई दिक्कत जा रहा है हिंदुस्तान और